कौन हो तुम? मैं मुर्गन और ये मेरा अनुज गुनेश। हम तो भूखे बालक हैं। आप वही है ना जो प्रतिदिन भूखे बालकों को मंदिर के बाहर भोज कराती है? हमें भी कुछ भोजन मिल सकता है? क्यों नहीं, भोजन के लिए ही तो ये लकड़ियां एकत्रित कर रही थी। तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं तुरंत कुछ बनाकर लाती। देवी, मैं आपके इस साहस को प्रणाम करता हूँ। आप प्रतिदिन मंदिर के वहां जाती थी परंतु वहां प्रवेश नहीं करती। ऐसा नहीं है, आज मैंने प्रवेश किया। सुना हमने, परंतु मंदिर में प्रवेश कर लेने से नास्तिक आस्तिक थोड़ी बन जाता है। हाँ, किंतु आज के प्रवेश के पश्चात मेरे मन में भक्ति का भाव जागा, जगन्नाथ महादेव के प्रति भक्ति। आज अनुभव हुआ कि मैं जिस मार्ग को खोज रही थी वो मुझे महादेव की ओर लेके जाता है, कि मेरी नियति उनके साथ रहना है। पर ये क्या भक्ति हुई, ये तो प्रेम हुआ। आप कदाचित अपने भावों को ठीक से समझे। नव यौवन हूं ना, कदाचित इसलिए, किंतु जीवन का अनुभव सब सिखा देता है। कदाचित तुम्हारी आयु अभी इतनी भी नहीं कि मुझे उचित मंत्रणा दे सको। ठीक है ठीक है। मानता हूं मेरा अनुज आयु में छोटा है, परंतु बुद्धि में देवों से भी अधिक श्रेष्ठ है ये। यदि कुछ समय दे सके तो अच्छे से समझ पाएंगे आप। देखिए, मुझे लगता है कि महादेव के प्रति अपनी भक्ति को आप प्रेम समझने की भूल कर बैठी है। मैं भूल नहीं कर रही कुमार, भक्ति की तो पराकाष्ठा ही प्रेम है, और मैंने ऐसा अनुभव किया है और मैंने प्रण लिया है कि साक्षात महादेव ही मेरे अर्धांग बनेंगे। कुमारी कन्या के रूप में मेरा पुनर्जन्म इस समस्या का अंत करेगा। मैं बाणासुर का अंत करूंगी। अगर महादेव और कन्या कुमारी का मिलन हो गया तो बाणासुर का अंत असंभव हो जाएगा। ठीक है, परंतु कुछ समय आपको तो प्रतीक्षा करनी ही होगी ना। आज आपने सोचा है कि कल से आप महादेव के साथ रहेंगी, ये कैसे संभव है? एक रात्रि में भला ये कैसे हो सकता है? यदि ऐसा है तो मैं सिद्ध करूंगी कि एक ही रात्रि में क्या हो सकता है। आज की रात्रि के अंत होने से पूर्व मैं महादेव को अपना अर्धांग बनाऊंगी। मैं उनका आवाहन कर उन्हें अपनी भक्ति और प्रेम का आभास करवाऊंगी। आज की रात्रि अंत होने से पूर्व महादेव को मेरे पास आना ही होगा। इस प्राण का क्या परिणाम होने वाला है महादेव? अंततः कुमारी ने आज मुझे, केवल मुझे अपने अर्धांग के रूप में चुना है। ऐसा ही एक संकल्प पार्वती ने लिया था, जिसने मुझे उसके द्वार पर पहुंचने के लिए विवश कर दिया था, और अंततः वो मेरी अर्धांगनी बनी। इस संकल्प के कारण कुमारी ने अपने व्यक्तित्व का वो स्वरूप जागृत किया है जिसका संबंध पार्वती से, और इसी संकल्प के कारण कुमारी की एक नई यात्रा आरंभ होगी। अब
आज के सूर्यास्त से लेकर कल सूर्योदय के मध्यांतर बीतने वाला समय एक ऐसी यात्रा को परिभाषित करेगा जो केवल कुमारी से संबंधित नहीं। तो यहां हो तुम कुमारी, तुमने मेरा अंत करने का प्रण लिया था ना, तो आज मैं एक प्रण लेता हूं कि तुम कल का सूर्योदय देखने के लिए जीवित नहीं बचोगी। तुम्हारा अंत आज रात्रि ही होगा महाकाले। महादेव, महादेव, ये कुमारी प्रण लेती है कि यदि आपके प्रति मेरी भक्ति और मेरा प्रेम सच्चा है तो कल प्रातः काल से पूर्व आप मुझे दर्शन अवश्य देंगे और मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि क्योंकि मैंने इस जन्म में केवल आपको अपने अर्धांग के रूप में स्वीकार किया है। किंतु कल यदि प्रातःकाल से पूर्व आप प्रकट नहीं हुए तो मैं यही इसी भांति खड़ी रहूंगी। ईश्वर में आस्था ना होते हुए भी मेरे पैर मुझे आप तक लेकर आए और अब बारी आपकी है महादेव, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार मेरे चरण आप तक पहुंचने में सकुचाए नहीं, उसी प्रकार आपके चरण भी मुझ तक पहुंचने में सक्षम होंगे। मुझे आपकी प्रतीक्षा है महादेव, दर्शन दीजिए भोलेनाथ। कुमारी कन्या के रूप में मेरा पुनर्जन्म इस समस्या का अंत करेगा। मैं बाणासुर का अंत करूंगी। मुझे क्षमा कर देना कुमारी, किंतु इस बार शिव और शक्ति का मिलन संभव नहीं। यदि इस क्षण मैंने तुम्हारी पुकार का उत्तर दिया तो जिस उद्देश्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है मैं तुम्हें उसी उद्देश्य से भ्रमित कर दूंगा। महादेव, महादेव, प्रतीत होता है जब तक माता इस विषय में किसी से चर्चा नहीं कर लेती वो महादेव का हट नहीं त्यागेंगी। किंतु हमारे पास भी समय अल्प, सूर्योदय से पूर्व हमें यही सब कुछ करना ही होगा। इस परिस्थिति में केवल एक ही व्यक्ति है ज्येष्ठ जो माँ की सहायता कर सकते हैं, नारायण। हमें नारायण का आवाहन करना होगा ज्येष्ठ। ये तो देवराज इंद्र की ऊर्जा प्रतीत होती है और इसका तात्पर्य है कि बाणासुर अवश्य किसी योजना को पूर्ण करने के प्रयास में है। आज तक मैं अपना जीवन अस्तित्वहीनता के अंधकार में व्यतीत कर रही थी, किंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है देव,
कि मेरे जीवन का उद्देश्य ही आपकी अर्धांगिनी बनना है। यदि आपके प्रति मेरा प्रेम और मेरी भक्ति सच्ची है महादेव, तो शपथ है आपको, आपको मुझे दर्शन देने होंगे महादेव। प्रकट हो ये देव। सौगंध है आपको महादेव, ना आप मुझे रोकेंगे ना आप मेरे पास आएंगे तब तक जब तक ये सती आपको स्वयं न पाए। तुम मुझे सदैव किस दुविधा में डाल देती हो गौरी, कभी स्वयं से दूर जाने के लिए बाध्य करती हो तो कभी स्वयं के पास रहने के लिए। हर बार किसी ना किसी प्रकार से अपनी शपथ में बांध ही लेती हूँ।